दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही अच्छे सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। जी हाँ, आपको बता दूं कि गूगल ने अपने जीमेल यूजर्स के लिए 2FA ऑथेंटिकेशन एक सिक्योरिटी फीचर से वो लॉन्च किया हुआ है। तो आप यदि इस फीचर्स की यूज करते हैं तो ये चांस है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक नहीं होगा। तो ये कैसे काम करता है, ये क्या है, तो मैं बता दूँ। 2FA जो होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये कोड होता है। वो कोड कैसे आता है, आप गूगल ऑथेंटिकेटर एक मोबाइल ऐप होता है, उसको आप डाउनलोड करते हैं। जब इस सर्विस को आप ऑन करते हैं, 2FA को ऑन करते हैं अपने जीमेल अकाउंट पे, तो वहाँ से कोड को स्कैन करना होता है उस ऐप में। उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं। उसके बाद जब भी लॉगिन करेंगे तो 2FA वाला हुआ कोड आपको फिलअप करना होगा, तभी आपका ये जीमेल अकाउंट ऑन होगा। तो कैसे करते हैं, चलिए बता दूं। आपने जीमेल अपना ऑन कर लिया है, और इसके फायदे ये भी हैं कि यदि आपका कोई यूजर नेम और पासवर्ड भी जान जाए तो आपका जीमेल अकाउंट को वो लॉगिन नहीं कर सकता है, जब तक यदि आपका 2FA कोड उसमें डाला नहीं जाएगा, और 2FA कोड आपके पास रहेगा आपके मोबाइल पर। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आप अपने जीमेल ऑन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आप जाइए माई अकाउंट में। माई अकाउंट में जाने के बाद दोस्तों जाइए आप यहाँ पे साइन इन एंड सिक्योरिटीज़ में। यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ आएंगे आप। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड तो आप लगाते ही हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन है ना, यहाँ पे आप करिए ऑन। उसके बाद यहाँ से करिए गेट स्टार्टेड। फिर दोबारा आपसे पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालने के बाद आपसे वेरिफिकेशन के लिए कहेगा एक टेक्स्ट मैसेज से, क्लिक करिए। यहाँ पे आपको आपके मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, उसको आपको फॉलोअप करना होगा। तो 0 ने फिलअप कर दिया। टर्न ऑन करते हैं, आपके पास इस तरह का एक कोड आएगा आपके स्क्रीन पर, उसको आपको ऑन करना होगा। टू स्टेप वेरिफिकेशन इज ऑन, ये ऑन है। कोड तो है नहीं इस पर। यहाँ पे आप देखिए ऑथेंटिकेट कोड को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये कोड है, इसको स्कैन करिए। तो दोस्तों देखा आपने, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका जैसे ही 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो जाता है, उसके बाद जब भी इसको आप साइन इन करेंगे तो हर बार आपका यूजर एंड पासवर्ड के अलावा वो कोड मांगेगा। वो कोड हर 30 सेकेंड बाद आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर वो कोड चेंज हो जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स है सिक्योरिटी फीचर्स को देकर, तो आप इसको यूज़ करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।